जितना जरूरत हो उतना लेना चाहिए। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। खाओ मन भर पर छोड़ो ना कण भर। खाओ मन भर छोड़ो ना कण भर। एक एक दाने का हिसाब देना पड़ता है। छोटी सी बात बता के भजन सुनाऊंगा। आपने भागवत सुनी होगी कभी ना कभी। सुदामा चरित्र सुना होगा। क्या सुना होगा? आपको पता है सुदामा को गरीबी क्यों भोगनी पड़ी? आपको पता है ये बात? नहीं। गुरु माता ने दो मुट्ठी चावल दिए थे। गुरु माता ने कब? जब जंगल में दोनों लकड़ी लेने जा रहे हैं और सुदामा जी के मन में कपट आ गया। सुदामा जी के मन में कपट आ गया। अपनी वाली मुट्ठी भी खाली और कृष्ण वाली मुट्ठी भी खाली। एक मुट्ठी में गिन करके 40 दाने थे चने के, भुने हुए चने। क्या थे बोलो? चने। एक मुट्ठी में कितने आ जाते होंगे? करीब 40। आपको हैरानी होगी सुदामा को 40 बरस तक दरिद्रता भोगनी पड़ी। सुदामा को 40 चने के अवैध में 40 बरस तक दरिद्रता भोगनी पड़ी। एक एक दाने का हिसाब देना पड़ता है। एक एक दाने का हिसाब। इसीलिए संकल्प करके जाना कि आज तक जो गलतियां हो गई सो हो गई, आज के बाद भंडारे में भी नहीं और अपने घर में भी नहीं, झूठा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। संकल्प।